पास आ रही हूँ, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? भारतीय टीम तो पहले ही पहुंच चुकी थी फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज एंट्री ले लिया है, क्या लगता है कितना बड़ा मुकाबला होगा? बिल्कुल, बीते दो दशकों का ये वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ंत हुई थी और 20 साल के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए दोनों टीमें आमने सामने होगी। तो निश्चित तौर पर ये दो दशकों का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बाउंस बैक किया है, एक खतरा बनकर भारतीय टीम के सामने आई है और पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत के सामने एक टफ फाइट हमें देखने को मिल सकती है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन जिस तरह से हमने कोलकाता की पिच देखी थी, पिच खेली जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने, अगर क्या लगता है थोड़े से रन और होते तो बेहतर चांस अफ्रीका के लिए हो सकते थे? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया 48वें ओवर में जाके जीत रहा है, इसका मतलब बिल्कुल रन्स कम पड़े। अगर साउथ अफ्रीका जो है वो अगर थोड़े रन्स और करता, खासकर मिलर जो है वो 50वें ओवर तक अगर टिके रहते, तो निश्चित तौर पर 230-240 के करीब अगर ये स्कोर करती साउथ अफ्रीका, तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों के पास और रन्स होते और जिस तरह से उन्होंने इस गेम को बनाया, 48वें ओवर तक लेकर आया, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका कुछ ना कुछ कर सकती थी। लेकिन प्रत्यय से मैं सवाल लेना चाहूँगा। प्रत्यय हमारे साथ प्रत्यय जुड़े हुए हैं, खेल एक्सपर्ट है। सबसे पहले तो प्रत्यय बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साउथ अफ्रीका के कप्तान बाउमा की बात करेंगे, गलती हो गई विकेट पड़ने में उनसे? जी बिल्कुल, देखिए टॉस के समय पर भी जो फैसला था वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ जरूर है पहले बल्लेबाजी करना, लेकिन क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो आमतौर पर आप चाहते हैं बतौर कप्तान के अपने फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिले जब गेम नहीं होती है, ओवरकास्ट कंडीशन में मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी डैम्प होता है, विकेट भी क्योंकि कवर थे वहां से बहुत टाइम तक, तो लगा था कि शायद हो सकता है कि वो आज बॉलिंग फर्स्ट की तरफ जाए, लेकिन ईडन गार्डन का ट्रेंड देख करके शायद उन्होंने चुनाव किया और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया। लेकिन मुझे लगता है गेंदबाजी से उतने निराश नहीं होंगे जितने बल्लेबाजी से होंगे, क्योंकि जब आप पहले 10 ओवर में अगर आप 18-2 है, यानी आपने पावर प्ले पूरा गंवा दिया है, और अगर उस बैटिंग कार्ड में आप देखें दिलीप जी, तो आपको क्लासन और मिलर के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं देखेगा जिसने बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी करी हो या टिकने का दम। प्रत्यय, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा साउथ अफ्रीका 300+, 350+, 380 तक गया इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज जिस तरह की मानसिकता के साथ उनके ओपनर्स आए थे, ऐसा लग रहा था कि आज भी उसी माइंडसेट के साथ आए हैं बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, लेकिन जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन थी ग्राउंड पे, क्या वो जल्दी समझ नहीं पाए कि उन्हें अपना गेम बदलना था, लंबा खेलना था इस मैच को? खासकर जिस तरह से शुरुआती तौर पर रबाडा ने और कोयजी ने गेंदें डाली थी, तो उन्हें थोड़ा सा विकेट पर टिकने की कोशिश करनी चाहिए थी। टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल मुझे लगता है कि लापरवाही यहाँ बरती। बिल्कुल, देखिए दिलीप जी, पहले ही 10 ओवर में जो मैंने कहा 18-2 थे, और जिस तरीके की गेंदबाजी वहां पर हेजलवुड और स्टार्क ने दिखाई, उनकी बहुत तारीफ करना बनता है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। 24-4 के बाद में रिकवरी जरूर अच्छी हुई थी, वो 213 तक पहुंच सके मिलर के शतक के वजह से, लेकिन वो एक रिकवरी ही थी, और वो जब चार विकेट इतनी जल्दी गंवा बैठे थे तो वहां से वो पूरे गेम में एक कैचअप खेलते रहे, और मुझे लगता है वो कभी भी गेम में आगे नहीं हो पाए, और ऑस्ट्रेलिया को भी नाकों चने चबवाए उन्होंने चेस की तरफ। लेकिन वही है कि अगर 20 या 30 रन भी और होते, या जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मिलर आउट नहीं हुए होते 47-48 ओवर में और अंत तक टिक पाते, तो भी शायद हो सकता था कि वो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी परेशानी में डाल सकते होते। लेकिन बबूमा कप्तान के तौर पर भी, बल्लेबाज के तौर पर भी उनके सवालिया निशान जरूर उठेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर सके, आज भी उन्होंने कोई स्कोर खास नहीं किया। जी बिल्कुल, हमने साउथ अफ्रीकन इनिंग में देखा था कि जिस तरह से विकेट खेल रहा था, गेंद टर्न हो रहा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पर हो रही थी स्पिनर्स की जानिब से, लेकिन फिर जब बाउमा ने देखा, जब ये सारी चीजें देख चुके थे, तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स अपने तेज गेंदबाजों से पहले 6 ओवर फेंकवाए जिसमें 60 रन जा चुके थे। क्या थोड़ा सा यहां पर अटैकिंग नहीं होना चाहिए था बाउमा को? मुझे लगता है कि स्पिनर्स जो है, अगर वो ज्यादा यहां फायदेमंद होते, अगर शमसी और महाराज को शुरुआती ओवर में लाया जाता जो 60 रन बने 6 ओवर्स में, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गए। बिल्कुल, देखिए जब लाइट में बैटिंग कर रहे थे वार्नर और हेड, उस तरीके का एक अग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने दिया था, बहुत बड़ा टोटल क्योंकि सामने नहीं था, तो 60 रन गंवा देना 6 ओवर्स में आपको और ज्यादा बैकफुट पे ढकेल देता है, तो वो मोमेंटम बना करके रखना। बीच में तारीफ बनती है शमसी और महाराज की, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी, रन बहुत मिल रहा था, बाउंस भी अनइवन था, खासतौर पर शमसी जिस तरीके के टर्न करा रहे थे बॉल को, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन स्मिथ और इंग्लिश की वो जो साझेदारी हुई वहां पर, उसने बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया को संभाला, और स्टीवन स्मिथ उन्होंने पूरे अपने अनुभव का भी प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, मानस लागुशेन
गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेलते हुए आउट हुए, लेकिन स्मिथ ने एक छोर पकड़े रखा और इंग्लिश ने भी बहुत मेच्योरिटी दिखाई मुझे लगता है, क्योंकि उस समय पर अगर एक या दो विकेट और गिरते तो हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया परेशानी में आता। लेकिन बिल्कुल सही कहा दिलीप जी आपने की बबुमा जिस तरीके की कप्तानी उनकी रही, इवन एंड के समय पर जब रबाडा के ओवर्स थे तो उन्होंने मार्को यानसन को गेंद थमाने का फैसला लिया, उस पर भी सवाल उठते हैं कि क्यों वो अपने एक्सपीरियंस गेंदबाज के पास नहीं गए और यानसन जिनका दिन उतना अच्छा नहीं था उनके पास उन्हें जाने का चुनाव किया। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय, देखिए अब भारत के लिए तो कब दूर नहीं है। दिलीप जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, साउथ अफ्रीका होती मुकाबला थोड़ा आसान हो सकता था, लेकिन क्या लगता है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ अहमदाबाद में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा टीम इंडिया के लिए? देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा टफ फाइट होती है ऋतु, भारत की जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़े हैं वर्ल्ड कप में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में तो वहाँ पर मुकाबला बहुत टफ होता है, कांटे की टक्कर होती है। ऑस्ट्रेलिया के पास मुझे लगता है फाइनल में जब आए हैं दूसरी बार आप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आएंगे और 20 साल बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पुरानी यादें ज़रूर भारतीय क्रिकेटर्स के दिमाग में होगी, लेकिन ये नई पीढ़ी की टीम है जिस तरह का क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेल के आ रही है रोहित एंड कंपनी, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे। वैसे भी जिस तरह का वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से टूर्नामेंट में वो लोग मौजूद है, जिस तरह से बैटिंग की है बॉलिंग की है थ्रू आउट द, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव भारतीय टीम को यहाँ महसूस नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में हमने हराया है, ये एक फ़ायदा भारतीय टीम के पास मनोवैज्ञानिक तौर पे होगा, और साथ ही साथ इससे पहले हमने जो सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ पे भी हमें अपर हैंड मिला था, हमने अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास अपर हैंड है। लेकिन हाँ, एक अपोनेंट जो है वो बहुत तगड़ा रहेगा ऑस्ट्रेलिया इस मैच में हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से लास्ट मैच हमने देखा टीम इंडिया के अब तक वर्ल्ड कप के इस बार के जितने भी मैच रहे शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दी है, लेकिन क्या लगता है अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाती टीम इंडिया नजर आएगी? देखिए खिताबी बढ़त में दबाव अलग तरीके का होता है, खासतौर पर क्योंकि होम टीम है, 2013 से इंडिया आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई तो दबाव जरूर होगा, जितने भी खिलाड़ी कहें कि वो दबाव नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो क्राउड का भी होता है और उनके मन में भी एक दबाव होगा क्योंकि वो भी चाहेंगे ये जो ड्रॉट है जो सूखा है उसको एंड करने का। लेकिन अब तक जिस तरीके का खेल हमने देखा है भारतीय खिलाड़ियों को दिखाते हुए 10 मैचेस लगातार जितना इस तरीके के टूर्नामेंट में जहाँ आप हर एक दिन नई परिस्थिति में एक नई टीम के खिलाफ होते हैं वो अपने आप में दिखाता है कि कितने अच्छे फॉर्म में है, और मुझे लगता है फाइनल में भारत कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अंटे छोड़ के जा रहा है, उन्होंने अपने सारे बल्लेबाजी से लेकर के उच्च क्रम मध्य क्रम गेंदबाजी स्पिनर्स पेसर्स हर एक फ्रंट पर उन्होंने अब तक अपने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, तो मुझे लगता है फेवरेट अभी भी इंडिया होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप बिल्कुल सब नहीं आ सकते, आज भी आपने देखा दुचारू टीम है अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। इंडिया विराट सॉरी माय नेम इज जॉश फ्रॉम साउथ अफ्रीका। Tough loss. It happens. We can't. We enjoyed it a lot. Yeah, loving India. Very excited for Sunday also. Fane. Yes, from South Africa. बिल्कुल दिलीप जी, देखिए रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ये जो लोग हैं जितना मैं समझ पा रही हूँ साउथ अफ्रीका के नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया का नाम विराट का, क्योंकि जिस तरह से विराट ने इस बार परफॉर्म किया है सेंचुरी लगाई है विराट का नाम बार बार लिया जा रहा है। विराट डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सभी के लिए उनसे उम्मीदें हैं, बड़े खिलाड़ी है और डेफिनेटली भारत को फेवरेट इसलिए भी बता रहे हैं अफ्रीका, क्योंकि अगर अफ्रीका फाइनल में होती खुदा ना खास्ता अगर भारत नहीं जाता फाइनल में अगर पिछले मैचेस ना जीत के तो भारतीय सपोर्टर्स जो है वो भी अफ्रीका को सपोर्ट करते और ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में क्रिकेटर्स एज अ क्रिकेटर ही नहीं पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात की जाए तो। लेकिन हाँ, ये एक दमदार मैच यहाँ होने जाएगा। मैं प्रत्यय से एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा, प्रत्यय जिस तरह से सिराज का लास्ट मैच रहा है क्या कोई चांस बनता है जो ट्रंप कार्ड है भारतीय टीम के आर अश्विन फाइनल में अहमदाबाद की पिच पर तीसरे स्पिनर्स के तौर पर खेले भारत की तरफ से? देखिए दिलीप जी, इस मैनेजमेंट के हमने जहां तक खूबी देखी है, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करें या राहुल द्रविड़ की कोच आप बात करें, वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। यहाँ तक कि सिराज पे सवाल थे जब उनका शुरुआत में भी फॉर्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली उनको बैक किया है, सपोर्ट किया और उनको लेकर के चले हैं खासतौर पे। और आप एक बहुत बड़े मुकाबले में जब आप जाते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करें,
और खासतौर पे एक और बात ध्यान में रखने की है कि आर अश्विन उतना ज्यादा खेले नहीं है, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया का गेम उन्होंने खेला था, इस बार भी साइज वही है, लेकिन अहमदाबाद की पिच पर इस पर भी निर्भर करेगा कि कौन सा ट्रैक है, किस तरीके की मिट्टी पर खेला जा रहा है, लाल और काली का मिश्रण अभी तक वहां पर अक्सर कर देखने को मिला है। अगर बहुत ज्यादा ऐसा पिच हुई जो कि धीमी होगी और स्पिन को असिस्ट करेगी तो ही मुझे लगता है कि अश्विन की तरफ निगाह होगी टीम की, वरना मुझे लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चार पांच मैचेस से जो उन्होंने अब तक नहीं बदला है वो उसी के साथ जाना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल प्रत्याब इंतजार है रविवार का कि कैसा होगा मैच और कितना रोचक मुकाबला होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए भारतीय टीम तो पहले ही फाइनल में एंट्री ले चुकी थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुंच चुकी है और अब इंतजार है अहमदाबाद में होने वाले रविवार के फाइनल मैच का, और उम्मीद भी यही कि भारतीय टीम ये कप जीतेगी, तो क्योंकि कप अब दूर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद से। अगली खबर आपको बता दें, मुंबई से टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच गई है, न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलेगी टीम इंडिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मुकाबला होगा भारतीय टीम का, और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, भारतीय टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद फाइनल मैच खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को आज 3 विकेट से हरा दिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल का रोचक मुकाबला होगा। टीम इंडिया कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त भी हो रहा है और बीसीसीआई ने द्रविड़ के साथ 2 साल का अनुबंध किया था।